राजा के फ्लैट फुट पर देखो राइट फुट पे एक चल रहा है स्टेप बाय स्टेप तो ये देखिए अच्छा बंदा ये वेलकम टू बैक टू फ्री जोन आज हम जा रहे हैं पतंग लेने तो लाल कुआं जा रहे हैं हम तो अभी हम रेड फुट पहुंच चुके हैं जैसा कि आपने यार वीडियो शुरू करना है सब्सक्राइब जरूर कर देना नी जोन को प्लीज क्योंकि यार अब इतने दूर आए हम बहुत दूर से एक दो एक डेढ़ घंटा लग गया हमें आने आने में खाली और ये देखिए मेरे नी जोन इन्हें माय बाउंसर दिस हम इसे इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि लड़ाई हो जाए तो इसे खड़ा कर देते हैं और ये हम अभी चंद पहले चांदनी चौक जाएंगे चांदनी चौक से वही पड़ता है तो वही जाएंगे आपको हम सारी चीज बताएंगे कि क्या क्या होता है वहाँ पे क्या मांजा मिलता है क्या बढ़िया मांजा होता है क्या कौन सा मांजा आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए और क्या मतलब पतंग के प्राइस है भी वो जो वीडियो में दिखाते हैं बंदे आजकल यूट्यूब के बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी है तो बताएंगे देखे कितना सुंदर नजारा है ये तो चलिए शुरू करते हैं हम लाल किला पहुंच चुके हैं हम इस वाले रूट से आ रहे हैं लाल किला से चांदनी चौक और फिर वहां से लाल कुआं ये यहां से सीधा पड़ता है आपको लाल किला बिल्कुल गली बिल्कुल सामने पड़ेगी आपको वहां जाना है सीधा चांदनी चौक से सीधा हमारा लाल किला पड़ेगा और ऐसे ऐसे नशे भी आप जैसे कि देख सकते हैं और यहाँ पे आप गाड़ी क्योंकि यार आप देखे आप जैसे कि गाड़ी आप देख गाड़ी वाड़ी देखे आप पर्ची है पर यार देखे आने कुछ भी फायदा नहीं है कुछ भी फायदा नहीं है कुछ भी क्योंकि यहाँ पेट्रोल फूकना है जाम है इतना बस में आना फायदा भी रहता है ए सी में पूरे भाई मजे लो 50 रुपए में क्या स्कूटी बाइक में क्योंकि यहाँ यार इतना जाम है तो यहाँ पे वीडियो मतलब बाइक लेके ना है बिल्कुल मत आए क्योंकि आप देख सकते हैं कि जाम बहुत बड़ा है तो देखिए पहले ये देखिए जैसे आप आते रहेंगे यहाँ पे देखिए शॉप्स वगैरह सब देखिए जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये देखिए जाम हम बाइक से भी इस टाइम पे चलते हैं ये देखिए हमारे मालिक तो नहीं हूँ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इतनी दूर आ रहा है दूर पर इतनी ज्यादा आप देख लो तो तगड़ी हो रही है ये साले क्या दिखा रहा है आप इधर दिखा रहे हो बहन सब्सक्राइब टैग शेयर साला शेयर कर आए जरूर कर देना बिल्कुल ठोक के साले चिल्ला क्यों रहा है भाई सब्सक्राइब हो रहा है जो देखे सब्सक्राइब अपने दोस्तों से ताता रिश्तेदारों फैन भाई जो मर्जी मिले इससे भी हर किसी के फोन सब्सक्राइब ठोको जरूर ठोको उसमें ठोको हमारा ना भूले क्योंकि हम वीडियो यार हम अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे कपड़े वगैरह भी हमने स्टार्ट कर लिया ब्लॉगिंग यार मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड माय सेकंड बेस्ट फ्रेंड ये अपना मुझे पाते से वीडियो बना रहा था नहीं क्यों अच्छा लगता माय थर्ड माय नो स्पॉन्सर बट इज दिस स्पॉन्सर आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये सब भी मिलता है अभी यार हम बहुत दूर है उससे भैया मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे अगर कुछ और सामान मिलता है जैसे खिलौने वगैरह और अगली वीडियो हम बनाएंगे खिलौने पे अगर आप अगर इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर करते हैं तो मैं अगली वीडियो 17 बनाऊंगा खिलौने पे कि कहाँ से ज्यादा अच्छे खिलौने और बढ़िया मिलते हैं और ये बताऊँ सस्ते प्राइस बताऊँगा यानी कि भाई फेक है बंदे फेक नहीं रहता है हाँ यार
हम अब तक थोड़ा चल चल के तो हम तक 3-4 किलोमीटर चल जाएंगे लाल किले से, 2-3 किलोमीटर है यहाँ पे हमें रुके हुए। अभी हमने पीछे देखा था कि 150 रुपये की चप्पल मिल रही थी बढ़िया कंपनी की, देखिए शूज के लिए ये सब मिलता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, बोले जल्दी से देना। और ये भी बताना कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, और मैं आप ये बता रहा हूँ कि अगली वीडियो में सदर क्योंकि खिलौना पे, और अगर आप ज़्यादा दोगे तो हम और यहाँ भी बता देंगे कि आपको यहाँ पे कपड़े सस्ते मिलेंगे, आम कपड़े सस्ते मिलेंगे, टैंक रोड में क्या रेट कपड़ा मिलता है, क्या आपको थोक भाव में मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यार मेरे सब्सक्राइब लाइक शेयर जैसे कि बहुत आगे तक आ चुके हैं, तो अभी हम जामा मस्जिद हो चुके थे, अभी यहाँ से तो भीड़ स्टार्ट होगी। अंग्रेजी देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। अब लाल को कह रहे हैं यहाँ से बस थोड़ा राइट लेना, उसके बाद हम लाल को पहुंचेंगे। स्कूटी लेके आना मत, ये देखिए आता है जाम, देख लो आप, अगर आपकी स्कूटी का पेट्रोल ऐसे ज्यादा पैसा तो आ सकते हो वैसे, और हेलीकॉप्टर तो अलग बात है, फिर तो आ रही है पक्का यार, ये हमारे हनी जोन है भाई, ये कभी गलत तो बोलेंगे यहां ना भाई, इनके दर्शन है। चश्मे वगैरह ठोक रहा है, पूछ यार लाल ओ गाइस, चलो चलो जैसा कि हम अब तक आप बता रहा था कि मैं अब तक यहां तक पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे हम पहुंच ही जा रहे हैं। ये देखिए अभी हमने एक एक फ्रेम पूछा था, वो कम से कम 60-70 का था, बिल्कुल बढ़िया फ्रेम था, वो नंबर फ्रेम था, जो चश्मों का फ्रेम होते हैं वो 60-70 रुपये का मिल रहा था, मतलब विदाउट ठोक रेट में, और ठोक रेट में लोगे 3-4-5 जैसे 10-20 रुपये का ऐसे ही मिल जाएगा आपको, उससे बहुत सस्ता मिल जाएगा, तो आप यहाँ आ सकते हैं, सब भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और किस पर बनाएं वो भी बता देना। हाँ, और आप सदर के अलावा खिलौने के अलावा कपड़ों वगैरह में भी चाहते हो तो बता देना। हम अब पहुंच चुके हैं आखिरकार लाल कुआं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ से चुके हैं, यहाँ से मार्केट स्टार्ट है, फर्स्ट पटांग है यहाँ की, यहाँ देख सकते हैं पहली दुकान पे, मतलब आपको बताएंगे दूसरी, ये पहली ऐसे 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 है। चलो चल मैं बाउंसर चल रहा हूँ, माय बाउंसर, ये देखिए यहाँ एक शॉप के अंदर भी जाना पड़ेगा, ये शॉप है, हम इस पे आ चुके हैं, चल इसके अंदर चल, बोलना कि अंदर चल, चल अंदर चल, चल जूते निकालने क्या, अबे कौन निकाल, बड़े बड़े मांजे बताइए, यहाँ पे जूते बाहर निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है बोलना, प्रेस भी बोलेगा यार, यहाँ पे बड़े बड़े पीछे जा बार बार, अबे इनसे पूछने है कितने का पड़ेगा, और आप होलसेल में लोगे कितने का पड़ेगा यूं बता देगी, और क्या कर रहे बता, जूते पैर पूरे मागर
भाई मोनो कर भाई बैल है यार बैल तो फिर कौन कौन सा सामान है क्या बना रहा है तू कुछ नहीं भाई 5.5 रुपए की एक और होलसेल में होलसेल में बोलेगी 4.5 चार भी महंगी है उतने की है यार तो बड़ी क्या मतलब कितने हैं कुछ में होलसेल में 480 रुपए नहीं कितने कितने इससे बढ़िया बड़ा कलर तो नहीं छूटेगा अंकल इसका हाथ से कलर तो नहीं छूटता अंकल इसका पानी में डालोगे तो कलर छूट जाएगा नहीं मतलब पसीने जब हाथ में आता है तो कलर छूट जाता है भाई साहब कौन सा भी हो कलर तो छूटेगा पसीनों में 50 में दे रहे हैं नहीं बेटा नहीं अभी वीडियो बना रहा है नहीं हो रहा है इससे इससे अच्छा नहीं और अच्छा ही तो है अरे और तगड़ा चाहिए ना बैटल होती है बैटल होती है हमारे आपस में जिसका जितना अच्छा मान जाएगा वो जीत जाता है अब ये थोड़ी ना शर्त लगती है आपस में बता 800 रुपए की शर्त इतनी महंगी भी नहीं कौन सी मांजा तो मांजा है आधा की बात इतना के भाई तेज बोल कम हो कोई बात नहीं तेज बोल 7 तारीख कितने गए अच्छा और इसमें कितनी लीला भाई 3 अच्छा बढ़िया ना ये देखो ये मान जाए पर ये लग रहा मेरे को ठीक इसलिए मैं ले नहीं रहा इसको ठीक नहीं लग रहा है 3 रील का मान जाए नहीं अंकल चल भाई ये इसको दबा देते हो ना अभी गप्पू बोल बंद कर दो जल्दी ठीक है बढ़ा रहा है ये 150 का मैं जानता था भी लेके आया अमर भाई तभी याद है इन्हें इसने बढ़ गया था कि इससे उधार ना मांग लूं मैं कौन सा भाई ब्रीक कितने का पड़ा भाई 150 दूरी कोई पड़ रहा है कोई पड़ रहा है कितने ला रहा हूं बैन हो चुका है लेकिन आएगा जब मान जा बोल लीजिए
देख लिया आपके नंबर, रेट वेट लगा रहे इतनी देर से, कभी बाप है। भाई ये पांडा का मांजा का बाप है, देख दांत से तोड़ रहा है बंदा, देख लो यार। देखिए हमने मांजा ले लिया दोस्तों, इधर दुकान पे कौन सा मांजा लिया है हमने भाई, कौन सा मांजा है? पांडा 12 तार का, 12 तार का मांजा लिया भाई। इन भाई की दुकान पता है, कार्ड वगैरह है भाई आपका? जामा मस्जिद के नीचे बोलना है, जामा मस्जिद के नीचे एक अच्छी पतंग चल रही है, देखिए भाई मूवी मत बनाओ, ये मैदानी है। पर्ची उतरने के बाद भाई तो अब तो कह रहा मजा नहीं लेना है, भाई कैसे करनी है, चिंता मत, भाई कैसे करनी डाल रहा हूँ भाई। करने के बाद तलवार निकलेगा, अभी आप भाई आओ, दो आया तब का मसल था यहाँ से, समझ गए, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्यों आपकी नहीं, ये मेरी ना भाई, ससुराल वाले कहेंगे क्या कर रहा है यार भाई, तो बुरा मान रहा है, नहीं यार 600 किलो लो भाई, देखा अब अम्मा इतनी दूर से यार, अरे वो नहीं तो वो तो यार ऐसी बात नहीं भाई, दुकान तो सी की है पहली, वो नहीं हमसे घर ले, चलो कोई बात नहीं, मेरी शक्ल के ना देखना, वो तुम्हारी मेहरबानी होगी पहलवान, ठीक है भाई, वाले रिश्ता तो होगा ही भाई, दो पैक कर दे भाई, पांडा खाली 140 रुपए का पैकेट है, 20 पतंग, ये 140 का भाई देखो, अरे यार थोड़ा छोटे छोटी पतंग चाहिए यार, आगे ना 50 50 से सेट किए भाई, 20 पतंग का भी 50 मांगो, 50 दे दे, ये 50 का वो 200 है, 150 है, ये 50 पड़ेगी आपको, 50 पतंगे लो बैग में डालिए भाई, 300 रुपए की पड़ेगी, 300 रुपए की 50, थोड़ी महंगी अभी है नहीं इतना रेंज, आप कोई बात नहीं भाई, सबके अपने अपने बजट होते हैं, सबके अपने, और आपको हम दिखाएंगे भी कैसे मतलब तीनों पतंग कैसे काटते हैं, ये मैदानी मांजा है, और ये वाला भी मैदानी मांजा है, ये वाला पांडा मांजा, ठीक है पांडा मांजा तीन है, ये हमारे है 850 रुपए की, ये है 950 रुपए, 950 रुपए का, 950 का जल्ले, हाँ 950 का, ठीक। अब हम लालटेन की पूछ रहे हैं, इनकी शक्ल मत दिखा, वो कितने का भाई, दिखा रहे भाई जिनकी शक्ल, टाइम से कितने का, 18 का एक बड़ा वाला है, एक इसमें छोटा रहा 1200 रुपए का, हम देखते हैं, माल मंगाया था यार, वो कटा हुआ निकल गया, मैं सारा वक्त कर रहा हूं, कोई नहीं यार, ये पूरा कंटेनर माल है ना, दो चाहिए कितने का दे रहे हो, दो दो 35 रुपए का यार, दो 35 का, तू मैं तो दो ले रहा हूँ अपने लिए, दो तीन ले रहा हूँ अपने लिए, दो ही ले रहा भाई, दो ले ले, देखो भाई कितना सस्ता है, 18 का एक है भाई, बहुत सस्ता है यार, ले लेना तुम भी आगे यहाँ पे लाल की बार भाई, 18 का एक पीस है, 2 35 के पीस, 18 के कितने पड़ेंगे, कितने का पड़ जाएंगे बताना पड़ेगा, 7 है भाई, 7 पीस है भाई, देखो 15 का एक लगा दिया बड़े भाई ने, 105 का 15 भी, और 7 तो तू लेगा भाई, मैं अकेले, मतलब
कितने पैसे? 50 रुपए दे, 60 रुपए दे, 60 रुपए दे दे, चल ठीक है 60 रुपए दे, अरे 5 पीसे 60 दे यार, 60 पीसे ठीक है भाई, 5 पीस 60 रुपए के भाई साहब, ये एकदम मस्त पतंग है लालटेन, ठीक है इसको लेना। अब हम मांजा वांजा खरीद चुके हैं, बस पतंग लेनी बाकी है हमारी, लालटेन वाली पतंग भी ले ली हमने। हाँ भाई, ये पतंग कितने की भाई? 5 रुपए की है, राइकोन पतंग लगेंगी 50। अच्छा भाई, 150 की 50 पतंग है, ठीक है भाई ने लिया, भाई ने, इन गरीबों के बस की कुछ नहीं है। वो भैंस लाल टेन पागल है क्या? नहीं अगर तो है भाई, दोबारा जा रहे हैं उसी दुकान पे जिस पे भी गए थे पतंग लेने, भाई सस्ती मिल रही है पतंग इसकी, आगे आ जल्दी जल्दी। देखो भाई, हमने 150 की 50 पतंग ली है, दिख रही होगी। हाँ भाई, 150 की 50 की है। हाँ भाई, हाँ हाँ मिल जाएगी भाई, मिल रही है। देखो भाई, हमने पतंग वतंग ले ली है, सारी चीज ले ली, अब चलने वाले हम निकलेंगे यार। अभी आपको पतंग लेनी है, ये जो मस्जिद तीन नीचे आना, तीन मांझे लिए हैं, एक 12 मोनो काइट का लिया 300 का पड़ा है, एक पांडा लिया, एक पांडा लिया है वो 450 का पड़ेगा आपको, वो सस्ता मैदानी मांझा है, इस दुकान से हमने बताया ना उससे लेना यार, बहुत अच्छे मतलब अच्छे भैया है, और 150 की 50 पतंग लिया, 150 की 50 पूरी मार्केट में घूमिए भाई, 150 रुपए की 50 पतंग किसी ने दी, 150 की 50 हमने दिए, ठीक है भाई। और भाई मैदानी मांझा लिया है मैंने, वो भी लेटेस्ट ही आया मैदानी मांझा, वो चल रहा है, ठीक है भाई। भाई मैदानी मांझा बहुत तगड़ा होता है यार, बहुत तगड़ा भाई मैदानी, 6 रील का 300 रुपए का, भाई 6 रील का 300 रुपए का, देख लो भाई, एक रील मतलब 50 की पड़ रही हमको, ठीक है भाई। मैं दूसरी बार में जाऊंगा क्योंकि हम ले रहे भाई, मोदी पतंग है कितने के अंकल? मोदी पतंग कितने की यार? मोदी की लेनी है, उड़ाएंगे मोदी को। 35 रुपए की एक है भाई। कोई नहीं यार, 35 से 40 की लेनी है, लेनी है। और नहीं लेनी तो फिर 1000 रुपए की, और फिर भी नहीं लेनी। और क्या, नहीं लेनी, नहीं लेनी। पीछे ये 125 की है। भाई साहब इतनी महंगी है, क्या करेंगे, 125 की पतंग लेके उड़ाएंगे। और भाई 125 रुपए की पतंग है भाई, कटगी तो ऐसे हो जाएगी इसके लिए तो, वो जो हमने आपको आगे दिखाया था वही, ये बस उससे उड़ेगा कि अंदर पाना मान से वही भारी वाले, जो हमें आपको दिखाते हैं। अरे नहीं लेना क्या, फिर बाहर आ गया नहीं, एक नहीं पैकेट लेंगे, एक पीस और 20 पतंग लेंगे तो इतनी पड़ेगी, 20 पतंग 1800 लोकल तो वैसे भी नहीं लेते, देख ले, देखूंगा नहीं भाई। हाँ भाई, ये वाले 10 पीस चाहिए, कितने के अंदर? 220 का पैकेट है, कितने की थी भाई ये? 10 पीस। हाँ भाई, 150 ले रहे हैं यार, 10 पीस चाहिए भाई। देखो भाई ने 150 रुपए की 20 पतंग ले ली। हाँ ये बेस्ट पतंग है, एकदम बेस्ट पतंग है, 150 की 20। हाँ भाई, इसको भी आप भी दे सकते हो, ठीक है। आखिरकार चाचा मामा ताऊ चाचा शेयर
शेयर भी कर देना। तो चलो हम चलते यार, हम मेट्रो में जाएंगे अब क्या, यहाँ मैंने बताया। और यहाँ सुनो, पहली दो एक और बात बताऊंगा मैं, कि यहाँ कभी रोड से सामान मत लेना, क्योंकि यार रोड पे जो यहाँ पे मेमोरी कार्ड बेचने के लिए बोलेंगे आपको, पर लेना नहीं आप, ठीक है। यहाँ बहुत थकते हैं, खराब मेमोरी कार्ड पकड़ा देंगे, कुछ होगा नहीं मेमोरी कार्ड के अंदर, होगा सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपको पतंग उड़ा के दिखाएंगे और किसका पक्का मांजा है सब जरूर दिखाएंगे। तो और अगली वीडियो में सदर पे होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, तो इसलिए लाइक शेयर एंड कमेंट चले। अरे हमारी गोडी मैडम मोटी, तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो हनी जोन। अगली बार भाई आपके लिए मस्त मस्त वीडियो बनाएंगे, और जिसका आप बोलोगे उसका ब्लॉग भी बनाएंगे। ये तो हमारी वीडियो में क्या कमी रह गई, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।